70 साल में हम दाल आपको 70 रुपया तक महंगा हुआ और तुम 7 साल में ले गए 130 रुपया। पेट्रोल 70 साल में आपको 70 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 110 रुपया। तुम गैस मतलब आपको 70 साल में 400 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 1050 रुपया। अब देखिए जो अयास आदमी होता है ना, वही अपने लिए नया नया घर और तन आलीशान बंगला बनाता है। जब हमारा एक बढ़िया से संसद पहले से तैयार है, जो अभी चू तो नहीं रहा है, आपको सांसदों के देह पर पानी टपक रहा है, नहीं टपक रहा है। मेन दिक्कत है कि इनको नेहरू और गांधी के लिगेसी से दिक्कत है, मतलब छलिया छलिया। हाँ छलिया, कौन छलिया? मोदी जी छलिया, और कौन छलिया भाई? भाई जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि खादी को प्रमोट कर रहे हो, स्वदेशी की बात कर रहे हो, गांधी की बात कर रहे हो, देशभक्ति की बात कर रहे हो, और चाइना से समझौता कर ले रहे हो कि नहीं प्लास्टिक वाला झंडा फहराओ, और 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पेंशन का। अब मोदी जी से हमारा एक ही विनती है कि भाई अभी भी हमारे देश को छोड़ दो। अब हमारा जो देश है, हम चूंकि हम कांग्रेसी हैं, हमने इस देश को बनाया था, अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं छोड़ के गए थे, आप भी छोड़ छाड़ के चले जाओ, हम फिर से इसको खड़ा कर देंगे अपने उस मुकाम पर जहां पर हम बुलंदी पे छोड़, अंग्रेज भी कुछ नहीं छोड़े थे इस देश कि हम राष्ट्रीय आंदोलन 2 शुरू करने वाले, क्योंकि एक बार हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को आजाद कराया था और इस बार हम अडानी और अंबानी के कंपनी से जिसका एजेंट बन के मोदी काम कर रहे हैं है। बिल्कुल। अरे भैया 4 साल में दुनिया का चौथा आपको सबसे अमीर कौन बनता है? टाटा बिरला भी तो यहाँ पे थे, अंग्रेजों के जमाने के आपको पूंजीपति थे। राष्ट्रीय आंदोलन में जब नेशनल होराल्ड आपको जब संगठन खोला गया तो वह इंग्लिश उर्दू और हिंदी में, भारत में जो उसमें सारे भारत के जितने भी लीडर थे सभी अपना लेख लिखते थे और जनता को जागरूक करते थे, जिसे अंग्रेजों ने बैन भी किया। ठीक है, तो आप यह देख रहे हैं कि ये तो बस चूंकि अभी राजस्थान में हमारा जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें हमने ये डिसाइड किया कि हम 2 अक्टूबर से हम भारत जोड़ो अभियान के तहत जो भारत में एक सामाजिक धार्मिक जो टूटन पैदा हुआ है, वो टूटन के गैप जो डेवलप हो रहा है उस गैप को भरने के लिए हम भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। तो भाजपा जो सरकार है वो इस निर्णय से घबरा गई, वह अब वो क्योंकि वो मीडिया को मैनेज कर ली। आप देखेंगे कि भारत में 36 क्षेत्रीय पार्टी हैं और 7 से 8 आपको 7 शायद राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उसमें सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बाकी एक भी लीडर का आप नाम बता दीजिए जो इनके खिलाफ लड़ रहा हो या सड़क पे उतरा हो। अखिलेश जी भी तो यही दावा कर रहे, अखिलेश जी नहीं लड़ रहे हैं? अरे भाई आप दिखा दीजिए ना एक भी आंदोलन। तेजस्वी ने आरजेडी भी, हाँ आरजेडी में हम कर रहे हैं, आरजेडी चूंकि हमारा आपको आप कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव वो आपको संघर्ष थोड़ा बहुत उनका दिख रहा है, लेकिन सुनिए, लेकिन आरजेडी की अपनी सीमाएं हैं, वो बिहार से बाहर नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपको भारत के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गांव गांव के गली गली तक उसकी अपनी पहुंच है, उसके कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये लड़ाई जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस पार्टी की है और कांग्रेस पार्टी नहीं चूंकि इस ये सब जानता है, ये कोई छुपी बात नहीं है कि इस देश के एक एक मूल्य को जिसपे आज हम खड़े हैं उस एक एक मूल्य को बनाने में उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं। उस मूल्य को जब हम बनाते हैं तो रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम वो कर रहे हैं। आप तो कुर्बानी कौन देगा? एक सेकेंड, नहीं नहीं भाई मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस एक समय कांग्रेसी थे, फिर बाद में अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन भारत के सारे भले भी विचार अलग अलग थे लेकिन सभी लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन जिसको ये अपना बौद्धिक पिता मानते हैं, सावरकर हो, गोलवरकर हो, हेडगवार हो, ठीक है, जिनको ये अपना बौद्धिक पिता मानते हैं, ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों को अपना दुश्मन नहीं मानते थे, बल्कि वो मुसलमानों को कहते थे, मानते नहीं थे। यदि वो मानते तो फिर अगर पाकिस्तान प्रस्ताव पास हुआ तो फिर वो बधाई क्यों देते? अगर आपको जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस के सारे क्षेत्रीय पार्टियों ने, क्षेत्रीय गवर्नमेंट ने जब आपको इस्तीफा दे दी तो इसी सिंध प्रांत और बंगाल में वो आपको तो मुस्लिम लीग से गठबंधन करके सरकार क्यों चलाते? ठीक है, तो ये सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में अब यही बात रहा, अगर वो अतन अंग्रेजों से लड़ते तो आपको ये आंदोलन क्यों चलाते कि अगर सुभाष चंद्र बोस का जो आज़ाद हिंद फौज था उस दल में लोग शामिल न हो, इसके लिए आपको आरएसएस अतन आंदोलन करता था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी के नाम से कार्यकर्ता तिलमिला उठता, सड़कों पर कूद पड़ता है। हाँ, मुद्दा यही रह गया देश में? नहीं नहीं सुनिए भाई, अरे भाई मुद्दा आपको मोदी जी खुद बता रहे हैं, मोदी जी का खाली 2014 से पहले का सारा भाषण पढ़ लो, चाहे पैसे का हो, रुपये के गिरने का हो,
महंगाई का हो, भ्रष्टाचार का हो, चाहे किसी भी चीज का, तुमको जो चीजें हैं बस खाली मोदी जी का तुम वीडियो पुराना उठा के देखो, तुम्हें लगा कि मोदी जी आज की सिचुएशन को लेके बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि जब देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है, हैं? तो भैया तुम 70 साल में रुपया आपको 59 रुपया तक आया और तुम 7 साल में रुपया को ले गए 80 तक, तो तुम बताओ कि किस रेशियो से कहां जा रहे हो 81 तक। अब देखिए 70 साल में हम दाल आपको 70 रुपया तक महंगा हुआ और तुम 7 साल में ले गए 130 रुपया, पेट्रोल 70 साल में आपको 70 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 110 रुपया, तुम गैस मतलब आपको 70 साल में 400 रुपया हुआ, तुम 7 साल में ले गए 1050 रुपया, 7 साल में पार्ले जी का सुन लीजिए, 5 साल पहले 10 साल पहले 7 साल पहले पार्ले जी का 5 रुपया में 16 बिस्कुट मिलता था, क्वालिटी ज्यादा मिलती थी। अब ससुरा 5 रुपया में 10 बिस्किट, क्वालिटी छोटी छोटी। अरे सर सेंट्रल विस्टा भी तो है देश के लिए। अरे भाई सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कौन बना रहा है? सुन लो, सुन लो, सुन लो, प्रधानमंत्री बना रहा है। अब सुन लो, सुन लो, सुन लो, हाँ सुन लो, सुन लो, ये जो सेंट्रल विस्टा का बात है, अब देखिए जो अयास आदमी होता है ना वही अपने लिए नया नया घर और तन आलिशान बंगला बनाता है। जब एक ठो हमारा घर बढ़िया से, सुन लो मोदी जी, अरे सुनो भाई, जब हमारा एक बढ़िया से संसद पहले से तैयार है जो अभी चू तो नहीं रहा है, चू नहीं रहा है ना कि आपको सांसदों के देह पर पानी टपक रहा है, नहीं ना बन रहा है। मेन दिक्कत है कि इनको नेहरू और गांधी के लिगेसी से दिक्कत है, इसलिए उस लिगेसी को खत्म कर ले, उन्होंने नीति आयोग को बदला, जो योजना आयोग था उसको नीति आयोग में बदला, जो संग्रहालय था उसको उन्होंने फिर प्रधानमंत्री कार्यालय में वो करके बदल दिया। अब जो संसद की जो, क्योंकि संसद हमारे उस त्याग का गवाह है, उसके एक एक ईंट में हमारे उस त्याग की मूर्ति जो आपको है वो दिखती है। तो भाई जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप जब कुछ उसके जो उस त्याग को, अगर चूंकि आपका त्याग कुछ नहीं है, आपने आपको लोगों से माफी मांगी, अंग्रेजों का साथ दिया, हाँ। तो अब उस लिगेसी को खत्म करने के लिए कर्नाटक विधायक इसरप्पा कह रहा है तिरंगा बदलो भगवा लहराओ। एक सेकंड, अब तिरंगा का बात छोड़ो, अब तिरंगा ये अब वही ना करें कि जो 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, जो मान्यता नहीं दी, अभी आपको चाइना से समझौता करके प्लास्टिक वाला जो तिरंगा ला रहे थे तो खादी उद्योग और जो हमारा जो खादी से जो तिरंगा बनता था उस उद्योग को चौपट करके स्वदेशी का नारा देने वाले मतलब छलिया कौन छलिया? मोदी जी छलिया, और कौन छलिया भाई? भाई जब तुम एक तरफ कह रहे हो कि खादी को प्रमोट कर रहे हो, स्वदेशी की बात कर रहे हो, गांधी की बात कर रहे हो, देशभक्ति की बात कर रहे हो और चाइना से समझौता कर ले रहे हो कि नहीं प्लास्टिक वाला झंडा फहराओ। सर साहब इसी मोदी राज में आप भी कमा रहे हैं। अरे सुनिए भाई, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कह रहा हूँ कमा रहा हूँ, पुरानी पेंशन इस पूरे आपको मैं शुक्रगुजार हूं कि 4 राज्यों में पुरानी पेंशन फिर से लागू हो गया है और 2024 में एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पेंशन का, क्योंकि सबसे बड़ा जो जरूरत है कि आरबीआई के पास पैसा नहीं, आप पेंशन कर क्या बात कर रहे हो भाई? अच्छा एक सेकेंड, आरबीआई से 76,000 करोड़ रुपया ले लिए थे पहले, 2 बार ले लिए हैं भारत में। पहली बार हुआ कि हम 3-3 युद्ध लड़े, इतनी आपको पहले आपको पैदावार भी नहीं होता था तभी भी आरबीआई से पैसा नहीं लिए। अब जो भक्त बोलते थे कि देश पर कर्जा नहीं है, हम कहते कि 70 साल में हमारे पास 34,000 करोड़ का कर्जा था, अभी 127,000 करोड़ का कर्जा हो गया। अरे भाई अब बस एक ही हमारा विनती है मोदी जी से कि अब मोदी जी से हमारा एक ही विनती है कि भाई अभी भी हमारे देश को छोड़ दो। अब हमारा जो देश है, हम चूंकि हम कांग्रेसी हैं, हमने इस देश को बनाया था, अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं छोड़ के गए थे, आप भी छोड़ के चले जाओ, हम फिर से इसको खड़ा कर देंगे अपने उस मुकाम पर जहां पर हम बुलंदी पे छोड़े थे, हम फिर वहां तक ले जाएंगे। अंग्रेज भी कुछ नहीं छोड़े थे इस देश में। यार आपके बोलने से क्या होगा, कहीं देख रहे हैं कि प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो रहा है? अरे भाई सुनो सुनो सुनो, 4 आदमी खड़े हो जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो आपकी सबसे बड़ी बात है, आप जाके 2019 में गूगल पे सर्च करिए कि कांग्रेस को कितने लोगों ने वोट दिया, ठीक है, और आपको 11-12 करोड़ अगर आपको जनता खड़ा करें तो पूरी दिल्ली पट जाएगी। तो ये जो आप सगुफा छोड़ रहे हैं ना कि 4 आदमी, ये आप कहीं भ्रम में जी रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन खाली गूगलवा पे जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मामला असली क्या है, मतलब कांग्रेस, ठीक है, 11-12 करोड़ लोग। अब सुनिए, लोग नहीं है,
दो अक्टूबर के बाद आप देखिएगा जो भारत जोड़ो अभियान है, 145 दिन का कार्यक्रम है, 25 किलोमीटर रोज पैदल, 12 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, जब हम चलेंगे, क्योंकि हमारा वही मूल चरित्र है, आंदोलन की पार्टी है, जब आंदोलन करेगी तो जनता का जो आधार है वो बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। और हम आपको गारंटी देते हैं कि हम राष्ट्रीय आंदोलन 2 शुरू करने वाले हैं 2 अक्टूबर से, क्योंकि एक बार हमने ईस्ट इंडिया कंपनी से इस देश को आजाद कराया था, और इस बार हम अडानी और अंबानी के कंपनी से, जिसका एजेंट बन के मोदी काम कर रहे हैं, बिल्कुल अब क्या अंबानी। अरे भैया, 4 साल में दुनिया का चौथा आपको सबसे अमीर कौन बनता है? टाटा बिरला भी तो यहाँ पे थे, अंग्रेजों के जमाने के आपको पूंजीपति थे, ठीक है।